भाई आपका भी बाइसेप है कुछ इस तरीके का और आप ऐसा बाइसेप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। तो उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा जो कि आपके बाइसेप को तगड़ा तंदुरुस्त मजबूत करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि जब तक हमारा बाइसेप तगड़ा नहीं होता है तो हम गली मोहल्ले में कहीं पर भी जाते हैं इस कंडीशन में तो भाई हमारा जो बाइसेप है वो पतला पतला लगता है, मजा नहीं आता है। और हमारा बाइसेप होता है इस कंडीशन में तगड़ा तो हम हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के गली मोहल्ले में कहीं पर भी निकल जाते हैं तो भाई लोग कहते हैं इसका बाइसेप कितना तगड़ा लग रहा है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देख ले तो इस तरीके के बाइसेप को इस तरीके के बदलने में कोई आपको नहीं रोकने वाला है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम बाइसेप को चेक कर लेते हैं कि इस टाइम बाइसेप कैसा है और वर्कआउट के बाद कैसा होने वाला, कितना तकड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर जो बाइसेप है कुछ इस कंडीशन का बाइसेप है और वर्कआउट के बाद एकदम तकड़ा बाइसेप होने वाला। तो यहाँ पर हम ईंटों से वर्कआउट करने वाले हैं और ये वर्कआउट आपने अच्छे तरीके से फॉलो कर ले तो भी आपका जो डोला है इस कंडीशन में आपका जो बाइसेप है वो तकड़ा तंदुरुस्त मस्कुलर आसानी से होना। भाई सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें दो ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है और हमने यहाँ पर ऑलरेडी लेके रखी है सभी भाइयों के पास में होती हैं। तो सबसे पहला जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं थोड़ा अलग तरीके से लगाने वाले क्योंकि तकड़ा पंप चाहिए एकदम, हमारा जो बाइसेप एकदम फटके बाहर आए तो उसके लिए हमें थोड़ा अलग तरीके से वर्कआउट करना है। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन में हो जाना है और यहाँ पर दोनों ईंटों को एकदम टाइट तरीके से ग्रिप हमें पकड़ लेनी है और यहाँ पर दो रैप हम निकालेंगे नीचे नीचे इस कंडीशन में, बाजू सीधी सीधा करेंगे पूरा नीचे इस कंडीशन में थोड़ा यहाँ पर लाएंगे तो दो रैप हमें यहाँ पर निकालने हैं और दो रैप निकालने हमें ऊपर यहाँ पर इतने स्लो स्लो और दो रैप हम निकालेंगे पूरे ऊपर यहाँ पर हाफ लेकर जाएंगे थोड़ा बीच में पूरे ऊपर इस कंडीशन में और फिर हम निकालेंगे मसल फेलियर तक यहाँ पर सीधे होके ईटों को यहाँ पर करेंगे और पूरे एकदम सिलो नीचे और ये पूरा ऊपर सिलो नीचे पूरा ऊपर। तो भाई यहाँ पर जो सोनू वर्कआउट कर रहा है थोड़ा बिगनर है तो आप थोड़ा अच्छी तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं क्योंकि आप बिगनर हो तो भाई मतलब आपको सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा और पर कोई दिक्कत नहीं है, स्लो स्लो आप आसानी से अच्छा वर्कआउट करने लगोगे। तो यहाँ पर जो वर्कआउट लग रहा है एकदम अच्छी तरीके से हमारे बाइसेप पे एकदम लोड है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं फोकस करें एकदम यहाँ पर एकदम हमारे फुल बाइसेप पे लोड है क्योंकि जो भी जिस भी मसल का हम वर्कआउट कर रहे हैं उसी मसल पे हमारे पे लोड आना चाहिए तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कुछ भाई क्या करते हैं वो मतलब दूसरे मसल का वर्कआउट करते हैं और मतलब और मसल पे लोड आता तो भी आपको ऐसा नहीं करना, जिस मसल का वर्कआउट कर रहे हैं उसी मसल पे लोड आएगा तो भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये वर्कआउट हमें 3 से 4 सेट के साथ और मसल फेलियर तक हमें वर्कआउट करना है। कुछ भाई क्या करते हैं वो 2 सेट करते हैं या फिर 1 सेट करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा वर्कआउट फाइनल हो चुका है। तो जब तक आप 3 से 4 सेट के साथ कोई भी वर्कआउट नहीं करोगे तो भी हमारी जो मसल अच्छी तरीके से ट्रेन होने वाली नहीं है। तो जब तक हमारी मसल अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं होगी तो भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, हमारा जो बाइसेप है वो तकड़ा कभी नहीं होने वाला है। तो ये वर्कआउट हमारा फाइनल हो चुका है और आपको इसी कंडीशन में ये वर्कआउट फॉलो करना है। तो अगला जो यहाँ पर हम वर्कआउट लगाने वाले हैं हम बैठ के यहाँ पर सिंगल लीड के साथ लगाने वाले हैं तो हमें इस कंडीशन में बैठ जाना नीचे में। तो बैठने के बाद हमें इस कंडीशन में पंजों पे बैठना है, एक पंजे पे इस कंडीशन में बैठने के बाद अपने घुटने के पास अपनी कोहनी को रखना इस कंडीशन में और सिंगल लीड को पकड़ने के बाद ये हमें वर्कआउट फॉलो करना है। क्योंकि भाई बहुत भाइयों का जो बाइसेप है मतलब मोटा तो होता है वो सिंपल होता है, मतलब हमारे जो बाइसेप में गुल्ला नहीं होता तो आपको गुल्ला बनाना है और अपने बाइसेप को मोटा भी करना है तो ये वर्कआउट फॉलो करना ही पड़ेगा। सिंगल लीड को पकड़ना है, पकड़ने के बाद यहाँ पर इस कंडीशन में घुटने को थोड़ा ऊपर रखना है इस कंडीशन में, एक कोनी आगे की तरफ यहाँ पर कोनी रख इस कंडीशन में नीचे की तरफ ऐसे कोनी नीचे नीचे यहाँ पर और ये वर्कआउट सिलो सिलो ऊपर की तरफ सिलो नीचे सिलो ऊपर सिलो नीचे सिलो ऊपर सिलो नीचे। तो यहाँ पर जो ये वर्कआउट लग रहा है एकदम हमारी जो बाइसेप की बोल है एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रही है, हमारी बाइसेप की बॉल पे फुल लोड है। और भाई इस वर्कआउट को आप किसी मतलब स्टूल या फिर बेंच वगैरह पे बैठ कर भी कर सकते हैं। मैं तो मतलब उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जिन भाइयों के पास कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी बेंच नहीं है, दो ईंटों के साथ अपने बाइसेप को तकड़ा पंप और तकड़ा कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सभी भाइयों के पास जिम जाने का टाइम नहीं होता है, मतलब डंपल या रोड़ी बदलपुर के भी पैसे नहीं होते हैं, उन्हें वो दो ईंट से ही वर्कआउट करना चाहते हो भी वो आसानी से कर सकते हैं। मतलब सभी भाई नहीं होते, कुछ भाइयों के मतलब होता है तो दोनों हाथ से आपको सेम वर्कआउट करना है, आप दूसरे से करना है तो ऐसे ही आपको 10 से 15 रेपिटेशन निकालने और मसल फेलियर तक हमें रेपिटेशन निकालने, जितने आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं उतने आप आपको रेपिटेशन निकालने फुल लोड एकदम बाइसेप पे। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा वर्कआउट लगा के बता रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको भी देखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे दो वर्कआउट फाइनल हो चुके और अब हम लगाने वाले हैं लास्ट और फाइनल वर्कआउट जो कि हम खड़े होकर लगाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है एकदम चेस्ट को बाहर निकालेंगे, चेस्ट को बाहर निकाल के बाजू को एकदम सीधा रखेंगे और ये सिलो ऊपर यहाँ पर ऐसे घुमा देंगे, हाफ हमें यहाँ पर लाना इस कंडीशन में जैसे कि हम हैमर लगाते हैं इस कंडीशन में सिलो ऊपर, ईटों को पकड़ेंगे इस कंडीशन में, ग्रिप को टाइट रखेंगे थोड़ा उली तरफ
यहाँ पर पहले साइड से फिर सामने से, ईंटों को सामने पकड़ेंगे, इस कंडीशन में सिरो ऊपर लाएंगे, सिरो ऊपर यहाँ पर घुमा देंगे, घुमा देंगे सिरो वापस नीचे, यहाँ पर लाए इतना, ये घुमा दिया, सिरो नीचे ले गए, यहाँ पर लाए, ये घुमा दिया सामने से, और ग्रिप ये थोड़ा अंदर की तरफ रखना है इस कंडीशन में। ईटो कैस करेंगे, हाफ लाए ऊपर, ऊपर हाफ, यहाँ पर घुमाते हुए इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में। तो भाई यहाँ पर अभी सोनू थोड़ा बिगिनर है, तो भाई इस वजह से थोड़ा वर्कआउट मतलब आसानी से नहीं हो पा रहा है। तो भाई आप भी बिगिनर है, तो भाई शुरू शुरू आपको सीखना है और अच्छी तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं, और ये वर्कआउट आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, तीन एक्सरसाइज अच्छी तरीके से फॉलो कर ली, तो भी आपका जो बाइसेप है वो तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से हो जाएगा। और आप हाफ बाजू की टी शर्ट वगैरह कहीं पर भी पहन के निकलोगे तो भाई लोग कहेंगे यार इसका कितना बाइसेप तगड़ा लग रहा है। तो भी हम पंप चेक करते हैं कि मतलब बाइसेप में कितना पंप आया, कितने बदलाव आए, कितना मोटा हुआ बाइसेप, फुला के दिखाना एक बार। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं हमारी जो बाइसेप की बोल है एकदम क्लियर चमक रही है, पहले मतलब थोड़ी क्लियर नहीं थी और थोड़ा पंप भी नहीं था, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं एकदम अच्छी तरीके से अच्छे रिजल्ट मिल चुके हैं। वर्कआउट तो आपको फॉलो करना ही करना, इसके साथ साथ आपको अच्छी डाइट भी लेनी। कुछ भाई क्या करते हैं, वर्कआउट तो करते हैं पर डाइट नहीं लेते हैं, तो आपको इस कंडीशन के बाइसेप से इस कंडीशन का बाइसेप करना है, इस तरीके का करना है, तो भाई आपको डाइट अच्छी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अपनी मसल को डाइट नहीं दोगे तो भाई ऐसी मसल आपकी कभी बनने वाली नहीं है। तो वर्कआउट वर्कआउट से काम नहीं चलेगा, वर्कआउट के साथ अच्छी डाइट लो और एकदम बाइसेप को तकड़ा बनाओ, मतलब कोई भी मसल को बनाना चाहते हैं तो डाइट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भी आज की इस वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो भी लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो ये मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।